हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, एक कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब मत सुनो शुरू करो। अटल जी क्या लगता है, भावना है कि भारत जोड़ो। देश भर की पैदल यात्रा पर निकले राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ऐसे में खबर है कि उनकी ओर से अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी जैसे विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे चंडू खाने की बहस बता दी। देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, एक कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब मत सुनो शुरू करो। अटल जी क्या लगता है, भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। दरअसल झांसी में जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि बीजेपी को हटाया कौन। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जमकर क्लास लगाई। ने कहा है डिप्टी सीएम को तंज करके कि 100 विधायक ले आओ सरकार। तंज क्या होता है, अरे भाई हमारे पास 100 विधायक है, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें। डिप्टी सीएम ने जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफियाओं के सरगना है। का नाम लीजिए जी, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापस हुआ, उन्होंने ये कहा था नहीं, वो ठीक है, माफियाओं के सरगना है अखिलेश यादव। बात मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है, दोनों पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा काय का था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने, क्या मुकदमा था उन पे, किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो और वो भी किस बात का, पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दें बताओ आप? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया, और फिर जो डिप्टी सीएम है पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे, उनका प्रमोशन हुआ है डिमोशन हुआ है? झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।